स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल गर्मियों में हम स्वीडन के शुमाली शहर किरोना में गए ताकि वहाँ पर आधी रात के सूरज का नज़ारा कर सकें। वहाँ वाकई जो मिड नाइट सन नज़र आता है, ये जून और जुलाई के कुछ दिन होते हैं जहाँ पे 24 घंटे जो है वो सूरज चमकता है। और इस हवाले से एक मुख्तसर व्लॉग जो है उसका लिंक मैं इसके आखिर में दूंगा। बहरहाल, वहाँ पे हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई। वो उस इलाके के बारे में बात करते करते उसने बताया कि उसका ताल्लुक जो है वो सामी नस्ल से है, सामी कौम से है, और ये जो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड का शुमाली इलाका और कुछ रूस का जो इलाका है, इसमें हम लोग आबाद हैं, हम सदियों से यहाँ पे रहने वाले हैं। और हम जो स्कैंडिनेवियन अकवाम हैं, स्वीडिश और नॉर्वेजियन कौम, इनसे हम मुख्तलिफ हैं। हमारी ज़बान भी मुख्तलिफ है, हमारी सकाफत भी मुख्तलिफ है, हमारा रहन सहन मुख्तलिफ है। बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा शिकायतें थीं स्वीडिश हुकूमत से भी। उन्होंने कहा जी कि इस इलाके में जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे हमारी जो है वो दस्तरस नहीं है। हमारी ज़बान, हमारी सकाफत जो है वो बहुत तवील अरसा स्वीडिश हुकूमत और स्वीडिश लोगों की वजह से दबाव का शिकार रही है। और उसने कहा जी कि दुनिया में जो अमीर तरीन अगर खत्ता है तो वो कतर है, जहाँ पे इतने ऑयल के रिसोर्सेज हैं। और उसके बाद जो है ये किरोना का इलाका है, वहाँ पे आपको पता है कि दुनिया की बहुत बड़ी कान है लोहे की और मिनरल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल, उसने जो सारी हमारे साथ गुफ्तगू की वो मेरे जहन में इसलिए आई कि 6 फरवरी को स्वीडन में जो है वो सामी जो कौम है उनका नेशनल डे जो है वो सरकारी सतह पर मनाया जाता है। और अब जो सामी लोग हैं उनका बकायदा एक परचम है अलग से, उनकी मुंतखब पार्लियामेंट है और उनको जो है वो हुकूमत की तरफ से तमाम हकूक हैं। लेकिन साथ ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्वीडिश हुकूमत ने सरकारी सतह पे भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि जो सामी लोग हैं इनके साथ तवील अरसा तक ज़्यादती होती रही है, हुकूमती तौर पर इन के साथ ज़्यादती हुई है, इनकी सकाफत, इनके रहन सहन, और इनको वो हकूक नहीं मिलते रहे जो ममलकत के बाकी लोगों को मिलने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर किसी कौम के साथ, किसी ग्रोह के साथ वहाँ पे इस्तेसाल हुआ है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो सरकारी सतह पे उस चीज़ का एतराफ़ किया गया है। और इसका एतराफ़ आप यहाँ की सरकारी वेबसाइट्स देख सकते हैं, स्वीडिश नेशनल रेडियो टीवी पे अगर आप आर्टिकल्स देखें उन पे भी ये एतराफ़ किया गया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत से दुनिया के मुल्कों में हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी के साथ, हमने अगर कभी ज़्यादती की है किसी कौम के साथ, किसी नस्ल के साथ, तो हम उसका एतराफ़ करें, कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है। सामी जो लोग थे इनके हवाले से, बल्कि स्वीडिश चर्च जो है उसने भी माफ़ी मांगी है कि 17वीं सदी से 19वीं सदी तक सामी लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया गया, उनके बच्चों को जो है वो ईसाइत में जो है वो शामिल किया गया। और इस हवाले से स्वीडिश चर्च ने जो है वो पब्लिकली उनसे जो है वो माफ़ी मांगी है, ये भी एक बड़ी चीज़ है। और ये सामी लोग जो थे ये आम स्कूलों में नहीं जा सकते थे, 60s तक इनके अलग स्कूल होते थे। और ये यूरोप की जो है वो वाहिद इंडिजिनस कौम है, यानी अभी तक इन्होंने सदियों पुरानी सकाफत, कल्चर, अपना रहन सहन, अपनी मईशत वो बनाई है। ये जानवरों को पालते हैं, रेंडियर जो होते हैं नॉर्थ में उनको ये पालते हैं, और ये अभी भी उसी तरीके से रहते हैं। इनका लिबास भी अभी वही है और इनकी ज़बान जो है वो भी वही है। लेकिन इनकी ज़बान के हवाले से ये है कि जो सामी स्वीडन में बोलते हैं शायद वो रूस वाले उसको ना समझ सकें, या रूस वालों की जो है वो नॉर्वे वाले ना समझ सकें, क्योंकि इनमें ये काफ़ी पेचीदगी है। इस वक्त एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया में जो है वो 80,000 से 1,00,000 के करीब करीब सामी लोग हैं, और ये ज़्यादातर स्वीडन के शुमाल, नॉर्वे, फिनलैंड और रूस के जो है वो शुमाली खत्ता, यानी शुमाली यूरोप जो कुतुब शुमाली है इसमें ये रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो है ये नॉर्वे में है। नॉर्वे में तकरीबन अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 से 60 हज़ार करीब लोग वहाँ पे हैं। उसके बाद स्वीडन का नंबर आ जाता है, स्वीडन में तकरीबन 15 से 40 हज़ार के दरमियान एक एस्टिमेशन है। उसके बाद फिर फिनलैंड में तकरीबन 10 हज़ार है, और कुछ जो है वो रूस में हैं।
और अब स्वीडन में इनकी बकायदा जो है वो पार्लियामेंट एक मुंतखब है जो 1993 से काम कर रही है। 1977 के बाद स्वीडन में इनको बकायदा इंडिजिनस पीपल के तौर पे रिकग्नाइज़ किया गया और अब ये स्वीडन की 5 जो नेशनल माइनॉरिटीज़ कौमी अकलियतें जो हैं उनमें ये एक शामिल है। कौमी अकलियतें जो हैं उनको तमाम हकूक़ हासिल होते हैं, सरकारी सरपरस्ती हासिल होती है और अब इनकी जो है वो पार्लियामेंट भी है। तो ये जो है वो सामी एक बड़ी जो है वो एक अभी भी कह लें कि एक इन्होंने अपने उस सदियों पुराने रहन सहन को रखा हुआ है। एक दफ़ा यहाँ स्टॉकहोम में जो है वो हम गए इनके नेशनल डे पे ही, तो उस पर इन्होंने बताया था कि ये किस तरह से रहते हैं कि इनका खैमा होता है जिसको ये खोता कहते हैं, ये एक लंबा होता है ऊपर इसमें थोड़ा जो है कह दें सुराख होता है ताकि उसमें गैसेस निकले, उसके अंदर ही इन्होंने जो है वो रखा होता है अपने खाने पकाने का सिस्टम, आग जलाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं। तो ये बड़ा हमें वो दिलचस्प सा लगा। बहरहाल मैंने समझा कि यहाँ हमारे रहने वाले लोग जो हैं वो शायद इनके हवाले से ज़्यादा मालूमात ना जानते हों, या दुनिया में भी लोग अगर सामी नस्ल के बारे में कुछ जानना चाहते तो कुछ ना कुछ इस विलाग की सूरत में उनके जो कौमी दिन है 6 फरवरी इस मौके पर जो है ये मालूमात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये विलाग भी आपके लिए अच्छा होगा, इसकी रसीद जो है वो अपने कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।